दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी कई प्रेरणादायक कहानियाँ आपने सुनी होंगी। बुद्ध के विचारों से व्यक्ति का जीवन बदल जाता है, तभी तो उंगली माल जैसा डाकू भी बुद्ध से मिलकर भिक्षु बन गया। गौतम बुद्ध से जुड़ी एक नहीं बल्कि कई कहानियाँ हैं, लेकिन भगवान बुद्ध और आम्रपाली की कहानी सबसे ज्यादा प्रचलित है। आम्रपाली, जिसे दुनिया की सबसे खूबसूरत वेश्या कहा जाता था, लेकिन जब आम्रपाली भी बुद्ध से मिली तो उनके विचारों से प्रभावित हो गई। इसके बाद अपनी धन संपत्ति सब कुछ का त्याग कर आम्रपाली एक साधारण भिक्षुकी बन गई और संपूर्ण जीवन भिक्षुकी बनकर ही बिता दिया। चलिए जानते हैं गौतम बुद्ध और वेश्या आम्रपाली की ये कहानी। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इतिहास के पन्ने आपको बिहार के जिला वैशाली के राजाओं और नगर वधु आम्रपाली के किस्सों से भरे मिलेंगे। कहा जाता है कि एक गरीब दंपत्ति को एक आम के पेड़ के नीचे कन्या मिली थी। उसके माता पिता पता नहीं क्यों उसे पेड़ के नीचे रखकर चले गए थे। दंपत्ति ने लड़की के माता पिता के बारे में बहुत पता लगाया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसके बाद गरीब दंपत्ति ने ही उस कन्या का लालन पालन किया और उसका नाम आम्रपाली रखा। आम्रपाली बहुत ही सुंदर थी। जब आम्रपाली किशोर अवस्था में पहुंची तो पूरे नगर में उसके सौंदर्य की चर्चा होने लगी। इतना ही नहीं, नगर का हर पुरुष उससे विवाह करना चाहता था। आम लोग से लेकर व्यापारी और राजा सभी उसे पाना चाहते थे। ऐसे में आम्रपाली के माता पिता उसे लेकर काफी चिंतित रहते थे, क्योंकि आम्रपाली इनमें से किसी एक के साथ भी विवाह कर लेती तो पूरे राज्य में अशांति फैल जाती। नगर में शांति स्थापित करने के लिए वैशाली राज्य के प्रशासन ने आम्रपाली को क्रमानुसार अंत में नगर वधु बना दिया। ये दिन उसके लिए एक काला दिन था, क्योंकि ये आदेश किसी भी महिला के लिए बहुत ही अपमानजनक आदेश है। इसमें महिला के पूरे चरित्र को गंदगी से भर देता है। लेकिन आम्रपाली कर भी क्या सकती थी, उसे अपने राज्य को बचाने के लिए यह आदेश का पालन करना पड़ा। बाद में आम्रपाली को साम्राज्य की सबसे खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिला के रूप में जनपद कल्याणी की उपाधि 7 साल के लिए दे दी गई। आम्रपाली को धन आभूषण से लेकर अपना महल भी मिला। उसके इर्द गिर्द सेविकाएं रहती थी और आम्रपाली को शारीरिक संबंध बनाने के लिए चयन का अधिकार भी प्राप्त था। उसकी सुंदरता के चर्चे वैशाली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में फैली हुई थी। उसके चाहने वालों में बहुत से राजा थे। उनमें से एक था बिम्बिसार, जो कि मगध का राजा था। उसने एक वैश्या के कारण पूरी वैशाली राज्य पर आक्रमण कर दिया। बिम्बिसार भी आम्रपाली से प्यार करता था और उसकी एक झलक पाने के लिए वो रूप बदल बदल कर वैशाली आता था। जब उसे पता चला कि उसे नगर वधु बना दिया है यहाँ के प्रशासन ने, तो उसने पूरे वैशाली पर आक्रमण करने को ठान लिया। पूरे वैशाली राज्य को ही मानचित्र से हटाने को ठान लिया। जैसे ही युद्ध शुरू ही हुआ था कि उसकी मुलाकात आम्रपाली से हो गई, तो आम्रपाली ने उससे युद्ध रोकने का आग्रह किया। आम्रपाली के इस भाव को देखकर बिम्बिसार ने युद्ध रोक दिया। बाद में बिम्बिसार ने आम्रपाली को मगध की रानी बनने का प्रस्ताव भी दिया, परंतु आम्रपाली ने उसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वैशाली और मगध दोनों राज्य आपस में शत्रु थे। लेकिन आम्रपाली ने उससे शारीरिक संबंध जरूर बनाया और उसके पश्चात बिम्बिसार से आम्रपाली को एक पुत्र भी हुआ। कुछ साल बीतने के बाद आम्रपाली के पास सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी उसका दिल कभी कभी खालीपन का एहसास करता था, जैसे कि उसका जीवन कुछ अधूरा है। यह खालीपन उसके अंदर की गहराइयों में बसा रहता था और उसे एक आध्यात्मिक खोज की तलाश में धकेल देता था। नगरवासियों के बीच वह मशहूर थी, लेकिन उसकी आत्मा में एक खालीपन था जो उसे वैशाली के वैदिक विद्वानों और साधकों के पास जाने के लिए प्रोत्साहित करता था। वह चाहती थी कि उसका जीवन
कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर बढ़े जिसमें वह अपनी आत्मा के अद्वितीय रहस्य को समझ सके। चलिए देखते हैं कैसे हुआ पहली बार आम्रपाली को बुद्ध के दर्शन। ज्ञान प्राप्ति के 5 साल बाद गौतम बुद्ध बिहार के वैशाली में जब पहली बार आए थे तो उनके स्वागत के लिए वहां के प्रसिद्ध राजनर्तकी आम्रपाली गंडक नदी के तट पर पहुंची। आम्रपाली के सुंदर रूप और यौवन को देख बुद्ध ने अपने शिष्यों को आंखें बंद करने को कहा, क्योंकि बुद्ध जानते थे कि आम्रपाली के सौंदर्य को देखने के बाद उनके शिष्यों के लिए संतुलन रखना कठिन हो जाएगा। कहा जाता है कि आम्रपाली एक बौद्ध भिक्षु पर मोहित भी हो गई थी। इसके बाद आम्रपाली ने उस बौद्ध भिक्षु को भोजन के लिए आमंत्रित भी किया और साथ ही 4 महीने का प्रवास के लिए भी अनुरोध किया, लेकिन भिक्षु ने उसे मना कर दिया और कहा कि गुरु जी की आज्ञा के बिना मैं ऐसे नहीं कर सकता। आखिर में आम्रपाली ने बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपके भिक्षु को मोहित नहीं कर पाई, ऐसा यह पहली बार मेरे जीवन में हुआ है, बल्कि उनकी आध्यात्मिकता ने मुझे धर्म की राह पर चलने के लिए विवश कर दिया है। इसके बाद आम्रपाली ने बुद्ध के सामने भिक्षुकी बनने की इच्छा प्रकट की, लेकिन पहले तो बुद्ध ने मना कर दिया क्योंकि उस समय बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। हालांकि इस घटना के बाद बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी। फिर आम्रपाली सामान्य बौद्ध भिक्षुकी बन गई और वैशाली नगर के हित के लिए कार्य करने लगी। उसने अपने केस कटवा लिए, सारा धन बंटवा दिया और भिक्षा पात्र लेकर सामान्य भिक्षुकी बनकर पूरा जीवन व्यतीत किया। तो दोस्तों, यह आम्रपाली की कहानी से हमें समाज सेवा और समर्पण का महत्व सीखने को मिलता है। उसने अपने सुंदर जीवन की बजाय वैशाली के लोगों के लिए बोधिसत्व के रूप में बढ़ी और वैशाली वासियों की मदद की, और यह भी सिखाती है कि आध्यात्मिक और मानवीय समृद्धि के बीच एक संतुलन स्थापित करना जरूरी है। आम्रपाली ने धन और सुंदरता को त्याग कर आध्यात्मिक सुख की खोज की, जो हमें अपने जीवन में एक संतुलन बनाने के लिए प्रेरित करता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको कहानी अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।